देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दोस्तों नमस्कार, आज 21 जुलाई सन 2022 बाजार के सितारों में आपका स्वागत अभिनंदन। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाजार के सितारों में, सबसे पहले आपका आज का राशिफल, एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना है, शेयर बाजार में क्या हो सकता है और नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएँ बन सकती हैं, इसके ऊपर हम आज की चर्चा करेंगे। सबसे पहले राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियां, मेष, सिंह और धनु राशि मिश्रित रुख की तरफ इशारा कर रही हैं। 2, 6, 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, आज अतिरिक्त सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। 3, 7, 11 मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपके लिए मिश्रित रुख की तरह इशारा कर रही हैं, वायु तत्व की राशियां हैं। 4, 8, 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जल तत्व की राशियां हैं, आपके लिए दिन आज शुभ और मंगलकारी हो सकता है। ये था राशियों के आधार पर आपका नफा नुकसान। अब हम चर्चा करेंगे एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावना है। मित्रों आपको याद होगा हमने चर्चा की थी गवार सीड पर, जब ये बुरी तरह से पिटाई खा रहा था तब हमने कहा था कि गवार सीड में आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर सकारात्मक रुख की संभावना बन सकती है, क्योंकि ये लोएस्ट भाव हैं, वैसा ही बाजारों में शायद देखने को मिल रहा है। अब आज के लिए गवार सीड के अंदर मजबूती की संभावनाएं बन सकती हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कमोडिटी है वो है मसाला पैक। गौरतलब है साल 2021 में भी हमने आपको आगाह किया था कि साल 2022 शानदार साबित हो सकता है मसालों के लिए, जीरा धनिया इसमें प्रमुख है, दोनों ही नहीं शानदार तेजी साल 2021 के मुकाबले दिखाई। आज के लिए दिन जीरे में और धनिये में मजबूती की संभावना बन सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। तो दोस्तों ये था आज का एग्री वॉच। अब हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार में क्या संभावनाएं बन सकती हैं। शेयर बाजार में आपको याद होगा कल के हमारे एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि शुगर सेक्टर अच्छी तेजी दिखा सकता है, साथ साथ मेटल स्टॉक्स में भी बाउंस बैक की संभावनाएं बन सकती हैं। शुगर सेक्टर के अंदर बलरामपुर चीनी और श्री रेणुका शुगर ने शानदार मूवमेंट दिखाया। गौरतलब है कि चीनी के ऊपर एक खबर भी आ रही है कि 10 से 12 लाख अतिरिक्त एक्सपोर्ट की मंजूरी की संभावनाएं बन रही है, इससे चीनी क्षेत्र की कंपनियों में यानी शुगर सेक्टर में तेजी बन सकती है। गौरतलब है कि हमने सबसे पहले कल आपको श्री रेणुका शुगर पर नज़र रखने की बात कही थी, जो कि सत्य साबित आज होती देखी जा रही है। तो दोस्तों आप नज़र रख सकते हैं रेणुका शुगर, बलरामपुर चीनी और हिंदुस्तान कॉपर पे आप नज़र रख सकते हैं। ये था शेयर बाजार पर आज का आकलन। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी हो या मंदी, सबसे पहले खबर देने वाला हमारा चैनल, इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। अब हम चर्चा करेंगे भारतीय रुपया वर्सेस अमेरिकन डॉलर। इंडियन रुपी हैज़ शोन वर्टिकल फॉल एंड क्रिएटेड ऑल टाइम लोएस्ट अगेंस्ट US डॉलर एंड इंडियन रुपी has created 80 rupees and 40 paisa. This is the lowest price against American dollar in history. तो दोस्तों भारतीय रुपया लगातार गिरावट की ओर अग्रसर हुआ है और इससे अब क्या संभावनाएं बन सकती हैं, संभावनाएं अब तेजी की बन सकती है, आप विशेष ध्यान रखें। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपसे मैं चर्चा कर रहा हूं कि भारतीय रुपया हमेशा से ही एक रहस्यमय मूवमेंट दिखाता आया है। गौरतलब है कि भारतीय रुपया राइवलर करेंसीज के मुकाबले इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कम गिरावट के ऊपर दर्ज हुआ है, जबकि यदि हम दूसरी करेंसी देखें तो वहां पर बड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। भारतीय रुपया दूसरी करेंसीज के मुकाबले कमजोरी दिखाई, लेकिन अब
एक और खबर निकल के आ रही है कि भारत सरकार ने रुपया की गिरावट को रोकने के लिए अपनी फॉरेक्स रिजर्व का लगभग 1/6 हिस्सा रुपये की मजबूती में खर्च करने का फैसला किया गया है और ये लगभग 100 अरब डॉलर का होगा। गौरतलब है कि भारत सरकार का 580 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है और इसमें 62 अरब डॉलर की कमी दर्ज हो चुकी है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है, पूरे विश्व में पांचवा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा वाला देश है भारत। भारतीय मुद्रा रुपी के अंदर लगभग 7.5% की सालाना गिरावट दर्ज हो चुकी है और कुछ लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि आरबीआई ने फौरी कदम नहीं उठाए होते तो भारतीय रुपया 85 रुपये के स्तर पर भी आ सकता था। अब देखना यह है कि भारत सरकार द्वारा 100 अरब डॉलर का खर्च करने के बाद भारतीय रुपये में कितनी मजबूती बनती है, लेकिन ये तो तय है कि भारतीय रुपये के अंदर अब बहुत ज़्यादा लंबी गिरावट की संभावनाएं संभवतः नहीं रहेगी और ये बाउंस बैक होने के प्रबल चांसेस बन रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कि रुपया के गिरने की प्रमुख वजह क्या है, इसके अंदर डॉलर की मांग बढ़ने, विदेशी संस्थागत निवेशकों की लगातार गिरावट और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के कारण भारतीय रुपया गिरावट की ओर अग्रसर हुआ। गौरतलब है कि सोने ने में भी रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की गई, साथ साथ कच्चा तेल और खाद्यान्न तेलों का भी बड़े बेताशा इम्पोर्ट हुआ, उसके वजह से रुपये की रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। दूसरी तरफ विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार पिछले 7 महीनों से विदेशी अपना सेलिंग कर रहे हैं, उससे भी बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार देश से बाहर जा रहा है। ये प्रमुख कारण भारतीय रुपये के गिरावट के लिए माने जा रहे हैं। अब देखना है कि आगे क्या हो सकता है, लेकिन भारतीय रुपया अब अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती दिखा सकता है। दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।